बाबा ने आज की मुरली में बहुत सुंदर एक हिसाब बताया बिंदी का हिसाब है ना एक बाबा और बिंदी लगाते जाओ तो क्या होगा कमाई बढ़ती जाएगी और इस विधि से जितना अपने को परिवर्तन कर सके क्योंकि बिंदी लगाना भी आसान नहीं है बिंदी लगाना माना ही परिवर्तन कारण क्या क्योंकि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो जो बाबा कहते हैं बच्चे सेकंड में फुल स्टॉप लगना चाहिए सेकंड में बिंदी लगनी चाहिए और बिंदी लगने से ही बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है हमारे अपने अंदर ही हमारे विचारों में परिवर्तन आ जाता है हमारी भावनाओं में परिवर्तन आ जाता है मनुष्य जो इतनी पुरानी बातों को पकड़ करके चलते हैं और धीरे धीरे उसका स्वरूप बनते जाते हैं उसका कारण ही यह है कि ये महसूसता नहीं है कि ये परिवर्तन अनिवार्य है और बाबा ने हम बच्चों को ब्राह्मण बता बनाते ही ये जो एक सुंदर विधि बताई कि बच्चे बिंदी लगाते जाओ एक तो कमाई भी होती जाएगी और परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत सहज हो जाएगी ये तो हम सभी जानते हैं कि परिवर्तन कुदरत का नियम है हर क्षण परिवर्तन हो रहा है परिवर्तन में भी सिर्फ बाह्य परिवर्तन हो रहा है ऐसा नहीं लेकिन आज दुनिया के अंदर कई सूक्ष्म स्तरों पर भी परिवर्तन हो रहा है और इसीलिए बाबा भी जब आए हैं ये संसार का परिवर्तन करने तो उसके लिए बाबा हम बच्चों को यही कहते कि बच्चे स्व का परिवर्तन बहुत आवश्यक है क्योंकि जब तक स्व का परिवर्तन नहीं विश्व का परिवर्तन संभव नहीं है लेकिन स्व के परिवर्तन के लिए कौन सी चीजों की आवश्यकता है तो जैसे कहा एक है महसूसता की शक्ति लेकिन महसूसता की शक्ति काफी नहीं है महसूसता की शक्ति के साथ साथ फिर आवश्यकता है कि दृढ़ संकल्प करने की परिवर्तन का दृढ़ संकल्प करने की महसूसता हो गई वो हम सभी करते हैं क्योंकि हर इंसान के अंदर ब्राह्मण बनने के बाद भी जो कई पुराने संस्कार है और उसमें भी जो कमजोरी के संस्कार है उसको हम महसूस करते हैं और इसीलिए विशेष दिनों पर हम बाबा के कमरे में जा के उस महसूसता के आधार पर ही परिवर्तन की चाहना रखते हैं संकल्प भी करते हैं लेकिन फिर भी कभी कभी परिवर्तन नहीं होता है ये नहीं कह सकते हैं कि महसूसता नहीं थी महसूसता थी तभी तो संकल्प किया लेकिन उसके साथ जो दृढ़ संकल्प करने की आवश्यकता थी वो दृढ़ संकल्प में ढिलाई हो गई इसीलिए परिवर्तन की चाहना होते हुए भी परिवर्तन नहीं कर सके आने वाले संडे की बाबा की मुरली है चौदह तारीख की पूरी मुरली महसूसता की शक्ति के ऊपर है तो जब मैं उस मुरली को पढ़ रही थी तो बाबा ने इतनी गहराई परिवर्तन महसूसता की शक्ति के ऊपर बताई दो बातें विशेष बाबा ने बताई कि एक होती है अपनी कमजोरी और दूसरा होता है परिस्थिति के परवश हो जाना और इसीलिए परिवर्तन संभव नहीं है जहां अपनी कमजोरी है उसको रियलाइज भी कर लेते कई बार लेकिन क्योंकि परिस्थिति के परवश या किसी और आत्मा के दबाव के परवश या कभी हालातों के परवश जब हो जाता है तब जिस प्रकार का परिवर्तन की चाहना रखते हैं वो परिवर्तन नहीं कर पाते हैं लेकिन उसमें भी बाबा ने तीन स्टेज बताई एक होता है दिल की महसूसता सच्चे दिल से महसूस करना दूसरा है समय अनुसार महसूस कर लेना बाबा ने उनको कहा कि कई बच्चे चतुर सुजान होते हैं समय अनुसार सोचते हैं झुक जाना ही ठीक है क्षमा मांग लेना ठीक है बड़ों के सामने अपने रिकॉर्ड को अच्छा बनाने के लिए सोचते हैं कि आज से हम ये परिवर्तन कर देंगे स्वीकार कर लेते हैं लेकिन वो सिर्फ उस समय के हिसाब से बाद में जैसा थे वैसे ही तो परिवर्तन नहीं हुआ और तीसरे प्रकार के हैं जो महसूस भी करते हैं विवेक भी मानता है कि ये गलत है ये सही नहीं है लेकिन विवेक मानने के बाद भी कहीं ना कहीं भाई मेरी जो स्टेज है लोग क्या सोचेंगे अगर मैंने इस बात को स्वीकार कर लिया तो लोग क्या कहेंगे कि इतना समय से बाबा का बच्चे बनने के बाद भी ऐसे इसलिए विवेक अंदर मान रहा है महसूस कर रहा है परंतु परिवर्तन नहीं करते हैं उसको बाबा ने बहुत कड़ा टाइटल दिया है कि जिस तरह आत्मघात महापाप है इस तरह से जो महसूस कर रहे हैं अंदर विवेक मान रहा है ये गलत है लेकिन फिर भी चेंज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अपना अपना अहंकार कहो या अपना अभिमान कहो उसके कारण तो वह अपने विवेक का खून करते हैं महापाप है ये जिसने महसूस करने के बाद भी अगर अपने विवेक का खून किया तो कितना बड़ा पापी हो जाता है इसीलिए बाबा को पसंद है कौन जो सच्चे दिल की महसूसता के साथ परिवर्तन शक्ति को अपना लेते हैं क्योंकि जो परिवर्तन शक्ति को यूज करते हुए अपने परिवर्तन के ऊपर निरंतर अटेंशन रखते हैं उसको बाबा की आशीर्वाद मिलती है और वो सहज आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि जहां सच्चे दिल की महसूसता है स्वीकार किया परिवर्तन का प्लान बनाया कि हाँ भी इस विधि को काम नहीं अगर यह विधि काम नहीं किया तो ये विधि अपनाते हैं और इस तरह से जो अपनी कमी कमजोरी को परिवर्तन कर लेता है उसके खुद में भी आत्मसंतुष्टि मिलती है बाबा की आशीर्वाद मिलती है बाबा की दुआएं मिलती है, और वही आत्मा लोक पसंद भी हो जाती है यानी स्वयं पसंद बाप पसंद और लोक पसंद और यही सहज सफलता का आधार है यही सहज सफलता का कि जीवन के अंदर आगे बढ़ने का ये बहुत सुंदर एक माध्यम है तो इसलिए बाबा को सच्ची दिल की महसूसता से जो परिवर्तन करते हैं वो बच्चे अति प्रिय लगते हैं बाकी जो चतुराई करते हैं सोचते हैं चलता है कौन देख रहा है बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी कहा गया है भगवान जानी जानन हार है तो बाबा कहे मुझे एक एक का बैठ करके दिल में क्या चल रहा है ये जानने की जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि मेरे सामने सब कुछ स्पष्ट है ही है जब स्पष्ट है ही है तो जानने की क्या जरूरत है हर एक के दिल में कब क्या कैसे विचार चलते हैं बाबा कहे अगर कोई बच्चा पूछे तो मैं बता सकता कि फलाने समय पर फलाने तारीख को तिथि तारीख तक बाबा बता सकता है इतना बाबा जानता है इतना बाबा के सामने हर बात स्पष्ट है बाबा जानते हुए भी ऐसे बच्चों पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं सर्वशक्तिमान है जानते हुए भी बाबा एक्शन क्यों नहीं लेता है पूछा है बाबा ने मुरली में कि कई बच्चों के मन में ये संकल्प आते हैं कि अगर बाबा सब कुछ जानता है तो बाबा फिर उस समय उस आत्मा के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते क्यों नहीं लेते होंगे बाबा ने कहा बाबा रहम दिल है भोला नाथ जरूर है इसलिए बच्चे चतुर सुजान बनते हैं लेकिन भोलेनाथ का मतलब ये नहीं है कि बाबा कुछ नहीं जानता है बाबा सब कुछ जानता है लेकिन फिर भी बाबा रहम दिल बन जाता है कि बच्चे अपने आप महसूस करके सुधर जाए इसलिए बाबा अवसर देता है कितनी बाबा की विशालता है कितना बड़ा दिल बाबा का कहेंगे कि बाबा जानते हुए भी एक्शन इसलिए नहीं लेता है कि रहम दिल बाबा को उस वक्त बच्चे के ऊपर रहम आता है तरस पड़ता है कि बच्चा कितनी बड़ी गलती कर रहा है कितना समझता है कोई कुछ नहीं जानता है कोई कुछ नहीं समझता है लेकिन बाबा सब कुछ जानता है लेकिन वो अपने पापों को क्या करता है इकट्ठा करता जाता है बढ़ाता जाता है इसलिए अभी समय के हिसाब से आवश्यकता है परिवर्तन करने की स्व परिवर्तन में क्या क्या परिवर्तन करना है बाबा ने कहा यह नहीं कि आपने परिवर्तन नहीं किया है किया है आपने परिवर्तन भी जब आप बाबा के पास आए और आत्मा का ज्ञान मिला स्वीकार किया कि हाँ ये बात राइट है कि मैं देह नहीं हूं मैं आत्मा हूं शिव बाबा का परिचय मिला तो यह स्वीकार किया कि हाँ परमात्मा एक ही है और वह शिव बाबा ही है और वह हमारा बाप है तो सब कुछ बदल गया ना आपकी सोचने की विधि बदल गई तरीका बदल गया आपकी दृष्टि बदल गई कि आप हर एक को उसी नजर से देख कि ये भी आत्मा है तो दृष्टि परिवर्तन हो गई वृत्ति परिवर्तन हो गई जब यह स्वीकार किया कि शिव बाबा ही भगवान है और कोई भी देवी देवता नहीं है परमात्मा तो कई प्रकार की अंध श्रद्धाएं जो थी वो बदल गई तो कितना कुछ बदल गया एक सत्य को समझ लिया रचयिता और रचना के विषय में जो सत्य को समझ लिया तो उस समझने से उस डीप रियलाइजेशन से महसूसता से क्या कुछ नहीं बदला दृष्टि वृत्ति कृति स्मृति सब कुछ बदल गया तो बाबा कहे ये नहीं कि आपके पास परिवर्तन करने की शक्ति नहीं है, है। अगर जब इतनी सारी चीजें सहजता से बदल दिया तो अब आवश्यकता है कि अपने अंदर जो छोटी छोटी कमजोरियां हैं, उसको भी रियलाइज करते हुए उसको परिवर्तन कर लेना क्योंकि जैसे ही उसको रियलाइजेशन करते हैं और परिवर्तन करने के लिए पहला कदम उठाते हैं जरूर है वो हिम्मत का कदम है और जहां हिम्मत है तो वहां बाबा की मदद स्वतः मिलती है अपने स्वभाव संस्कार के अंदर जो कमी कमजोरी है उसको परिवर्तन करने की हिम्मत चाहिए दुनिया में भी कई लोग महसूस करते हैं कि मेरी ये कमी कमजोरी है लेकिन उसको छिपाने का प्रयत्न करते हैं लेकिन जब हम बच्चे उसको रियलाइज करते हैं और ये मानते हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए तो उसको परिवर्तन करने के लिए हिम्मत का कदम उठाते हैं तो बाबा की सौ गुना मदद अवश्य प्राप्त होती ही है लेकिन पहले हिम्मत का कदम तो उठाओ और जैसे ही ये कदम उठाते हैं परिवर्तन करने का तो ये परिवर्तन से जो आज तक हम लोग उस कमजोरी को छिपाने के हिसाब से कारण देते थे वो निवारण में परिवर्तन हो जाएगा तो कारण नहीं निवारण उस कारण से जो समस्याएं उत्पन्न होती थी वो परिवर्तन होकर समाधान स्वरूप बन जाते हैं जो विघ्न क्रिएट होते थे उससे निर्विघ्न बनना सहज हो जाता था सहज हो जाता है इसीलिए बाबा ने कहा कि खाली एक दृढ़ संकल्प अंदर में करते हैं परिवर्तन करना है तो और कितनी चीजों में फायदा होता है कारण बदल निवारण हो जाता समस्या बदल समाधान हो जाता हाँ? और विघ्न परिवर्तन होकर के निर्विघ्न स्वरूप हम बन जाते हैं क्योंकि जब तक वो कमजोरी रहेंगी बार बार वो विघ्न के रूप में सामने आता रहेगा वो कमजोरी तो विघ्न क्रिएट करते हैं दुनिया में भी इसीलिए कहा जाता है प्रॉब्लम आर द क्रिएशन ऑफ अ वीक माइंड जहां कमजोरी है कमजोर सोच में है वही तो कोई ना कोई समस्या को क्रिएट करता है इसीलिए जैसे ही उसको परिवर्तन करने का दृढ़ संकल्प किया तो उसके साथ कितनी चीजें बदल जाती है विघ्न ये समाप्त होने लगते हैं तो निर्विघ्न कौन नहीं बनना चाहता है जीवन में समाधान कौन नहीं चाहता है निवारण कौन नहीं चाहता है इन सब का आधार ये परिवर्तन शक्ति उसके बाद जीवन देखो कितना सहज सरल हो जाता है क्योंकि जहां यह परिवर्तन किया सबसे बड़ी प्राप्ति क्या होती है सबसे बड़ी प्राप्ति है उमंग उत्साह नवीनता को जब अपनाते हैं परिवर्तन होगा तो क्या होगा पुराना छोड़ेंगे नया अपनाएंगे तो नवीनता जहां जीवन में आई वह नवीनता हमारे अंदर उमंग उत्साह तो लाएगा लाइफ में उमंग उत्साह किसको नहीं चाहिए लाइफ में उमंग उत्साह ही बूस्टर का काम करता है आगे बढ़ने के लिए तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए इसीलिए बाबा कहे जैसे ही वो अटक जो थी पुरुषार्थ में जो हमें अंदर से अलबेला कर रहा था क्योंकि परिवर्तन नहीं होगा तो अलबेलापन आएगा ढिलाई आएगी अंदर में पुरुषार्थ ढीला होने लगेगा दूसरों को जब देखते हैं कितना उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं तो अंदर में आता है कि पता नहीं मैं मे, मेरे आगे क्या रुकावट है मुझे समझ में नहीं आता है लेकिन जैसे ही वो अटक निकलती है तो पुरुषार्थ की गति तीव्र हो जाती है वो कमजोरी ही कई बार हमारे हमें नीचे खींचता है धरती पर खींचता है उड़ने नहीं देता है इसलिए जैसे ही वो अटक निकलती है कि उड़ान भरना शुरू करते हैं। बाबा कहे है, हाई जंप देना आरंभ कर देते हैं इतनी ऊंची उड़ान भरते हैं कि सहजता से संपूर्णता के नजदीक जा सकते हैं इसीलिए ये उमंग उत्साह नवीनता को स्वीकार करना आवश्यक है तो जब दिल की महसूसता होती है परिवर्तन शक्ति को अपनाते हैं अर्थात नवीनता को वेलकम करना और उस नवीनता से बहुत सहज आगे बढ़ जाते तीसरी बात कई बार कमी कमजोरी हमारी इतनी होती है कि दूसरों ने जो हमारे साथ व्यवहार किया होता है उसको बुला नहीं पाते हैं उसको पकड़ के रखा है और उसको जो पकड़ के रखा है या जैसे कहा समस्याओं ने परिस्थितियों ने हालातों ने जो हमारे साथ में हुई बातें हैं उसको हम बुद्धि से छोड़ नहीं पाते हैं जब उसको बुद्धि से छोड़ नहीं पाते हैं तो भी पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं जिस तरह के परिवर्तन को अपनाना चाहते हैं वो परिवर्तन नहीं अपना सकते तो उसके लिए बाबा ने बहुत सुंदर विधि हमें बताई है कि दूसरों ने मानो आपके साथ गलत किया जिसको आप भुला नहीं पा रहे हैं बाबा कहे आप क्षमा के सागर के बच्चे हो क्षमा कर दो उसको जैसे क्षमा करेंगे वो सारी बातें जो पकड़ के रखी है ना दिल में छूट जाएंगी अंदर हल्का पन आएगा यही सोचो हर आत्मा का अपना हिसाब है उसका हिसाब बाबा देखेगा बाबा बैठा है बाबा देखेगा मुझे याद आता है एक बार यज्ञ के सामने बहुत बड़ी कोई परिस्थिति बाहर वालों से आई थी तो बड़ी दादी जी प्रकाशमणि दादी जी को मन में वो बात चल रही थी और उन्हीं दिनों में जैसे बाबा की सीजन थी तो अब व्यक्त बाप दादा की जब बदरावणी हुई तो दादी ने बाबा को ये बात सुनाई कि बाबा इतना बड़ा पेपर है बाहर वालों के बाहर वालों से उसको क्या करना चाहिए बाबा से जैसे राय सलाह कर रहे थे दादी तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि बच्चे तुम अपने जो रेगुलर कारोबार है उसमें ही रहो उनका हिसाब बाबा देख लेगा तुमने बाबा को दे दिया अब निश्चिंत हो जाओ उस हिसाब को बाबा देखेगा तो कोई भी चीज को अगर हमने अपने दिल के अंदर पकड़ के रखी है तो उससे हमारी कमजोरी फ्री नहीं होती है ये भी एक कमजोरी ही है जो दिल में बातों को भर के रखना ये हमें कभी उड़ने नहीं देता है आगे बढ़ने नहीं देता है तो इसीलिए आवश्यकता है कि बाबा को देख करके भी हम अपने आप को फ्री कर दे उसका हिसाब बाबा देखेगा या कोई पिछले जन्मों का हिसाब है तो पूरा हुआ या किसी भी तरीके से बिंदी लगा करके आगे बढ़ो जो आज बाबा ने मुरली में कहा कि ये बिंदी का हिसाब समझो ये परिवर्तन करने की एक बहुत बड़ी शक्ति है किसी ने बहुत अच्छी बात मुझे पूछी बिंदी कैसे लगाए कोई चीज तो नहीं उठाकर लगा दिया लग गई बिंदी कैसे लगाएंगे बिंदी हा? बिंदी कैसे लगाएंगे भूल जाएंगे भूल जाएंगे छोड़ेंगे वही तो संकल्प तो चलते रहते हैं ना बिंदी लगाए कैसे आज बाबा ने बहुत बार ये मुरली के अंदर कहा स्टार्टिंग प्रश्न में भी कहा बीच में भी कहा तो बिंदी लगाए कैसे हाँ बाबा को देने के बाद भी तो खुद के संकल्प चलाते पकड़ के तो रखते ही है छोड़ते नहीं है बिंदी लगाना माना बिंदी लगाना माना अपने मन को नकारात्मक या व्यर्थ चिंतन की दिशा से परिवर्तन करके सकारात्मक दिशा में लगाना और कैसे उसको सकारात्मक दिशा में ले जाएंगे तो यही बाबा ने हम बच्चों को कहा हम बच्चों के लिए ड्रामा कल्याणकारी है संगम युग हमारे लिए कल्याणकारी है बाप हमारा कल्याणकारी हमारे साथ है तो जहां सर्वशक्तिमान बाप कल्याणकारी हमारे साथ है संगम का ये समय कल्याणकारी है ड्रामा कल्याणकारी ही है तो मेरा अकल्याण करने की ताकत किसी चीज में है कोई बात में है इस विधि से बिंदी लगाओ के ड्रामा में अगर ये एक बात आई भी तो उसमें भी जरूर कोई ना कोई कल्याण समाया हुआ ही है कल्याण हमारा हो नहीं सकता है क्योंकि हम चारों ओर कल्याण से ही घिरे हुए हैं तो हमारा अकल्याण करने की एक बात में ताकत हो सकती है हो सकती है नहीं हो सकती वो बात है तो इसीलिए उस बात को पकड़ो नहीं लेकिन इसमें भी जरूर कोई कल्याण है समाया हुआ समय आने पर समय जैसे ही पर्दा खोलेगा कल्याण दिखाई देगा तब तक समय पेपर लेता है व्यर्थ नहीं चलाओ, तो व्यर्थ संकल्प नेगेटिव संकल्प जो चल रहे हैं उसको पॉजिटिव संकल्प में चेंज करो यह परिवर्तन महसूस था हमें यह परिवर्तन सिखाता नेगेटिव और वेस्ट को परिवर्तन करके पॉजिटिव संकल्प क्योंकि संकल्प नहीं चले यह तो होगा नहीं संकल्प तो जरूर चलेगा लेकिन बिंदी लगाने का मतलब है पॉजिटिव में चेंज करो कल्याण को सोचो जैसे बाबा ने एक मुरली के अंदर बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया था कि बच्चे हीरे कहां मिलते हैं हीरे कहां मिलते कोयले की खान में मिलते हैं कोयले की जो खानिया हैं, वहीं हीरे प्राप्त होते हैं लेकिन जो हीरा ढूंढने के लिए उस कोयले की खान में जाता है वो अगर काला ही काला देखेगा तो उसको हीरा मिलेगा उसकी नजर उस चमक पर जाती है कि ये कोयले में भी वो चमक कहां है तो ये दुनिया है ही कोयले की खानी अब इसमें से हीरा ढूंढना है हमें तो कोई भी बात कोई भी परिस्थिति आए तो उसमें हीरा ढूंढो ये है बिंदी लगाना है ना जैसे एक कागज का टुकड़ा हो मानो मेरे पास में बड़ा उसके ऊपर एक काला दाग लगा दो और अगर हम किसी से भी पूछे क्या दिखाई देता है सफेद कागज नब्बे परसेंट जो है वो नहीं दिखाई दिया पूरा कागज इतना बड़ा उस पर खाली एक दाग काला है वो काला दिखाई दिया लेकिन जो 90 से आ, 98 परसेंट तक जो सफेद कागज है वो नहीं दिखाई दिया हा, क्या कहेंगे इसीलिए ये दृष्टिकोण को परिवर्तन करना इसको कहते बिंदी लगाना दृष्टिकोण बदलो जब यह दृष्टिकोण परिवर्तन हो जाता है हमारा कि सफेद जो 98% परसेंट है वो मुझे दिखाई दे काले को इग्नोर करो काला जो है उसको इग्नोर करो और जो 95% परसेंट सफेद है उसको स्वीकार करो लेकिन आज की दुनिया में दृष्टि क्या बन गई है वो काला दाग जरूर दिखाई देगा सफेद पेपर पर काला दाग जरूर दिखाई देता है हा? ये दृष्टि है ना तो बिंदी लगाना माना ये दृष्टि परिवर्तन करना ये दृष्टि परिवर्तन करना कि आज कोई आत्मा के अंदर चलो बहुत सारे अवगुण है कमजोरी है लेकिन कुछ अच्छाई भी तो होगी कोई विशेषता भी तो होगी उस विशेषता को देखने का चश्मा पहन लो तो आपको कभी अपने जीवन के अंदर यह महसूस नहीं होगा अरे कहा व्यक्ति से हमारा पाला पड़ा ये जो आता है ना अरे कहा व्यक्ति हमारे पाले पड़े हैं अब उसकी वो कमजोरी को देखते रहेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे है लेकिन चलो विशेषता भी तो है उस विशेषता को देखो उस विशेषता को देखेंगे तो आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना निकलेगी परिवर्तन करना है कि जो हमारी भावनाएं मलिन हो जाती है दुखी हो जाते हैं उसकी कमजोरी को देख करके लेकिन अगर चलो कितनी भी कमजोरी हो कोई तो विशेषता भी तो होगी ना इस आत्मा के अंदर उस विशेषता को देख करके शुभ भावना को प्रवाहित करो उसकी उस कमजोरी जितनी बार प्रयोग होती उसको क्षमा करते जाओ यह है बिंदी लगाना जब तक क्षमा नहीं करते हैं तब तक बिंदी लग नहीं सकती है इसलिए क्षमा करते जाओ और विशेषता को देखो और उस विशेषता के आधार पर मुझे उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना प्रवाहित करना यह है बिंदी लगाया मैंने नहीं तो उसकी कमजोरी को देख देख करके बार बार मेरे संकल्पों में व्यर्थ चलता है नेगेटिव चलता है उसके प्रति तो बिंदी कहां से लगेगी इसलिए बाबा कहे उसकी कमजोरी को देखने के बजाय उसकी विशेषता को देखो और शुभ भावना को प्रवाहित कर सको तब कहेंगे कि रियल बिंदी मैंने लगाई नहीं तो बिंदी कहां लगी अगर वही कमजोरी को देख देख करके मेरे अंदर व्यर्थ संकल्प चलता रहे तो बिंदी लगाई कमाई कहां होगी फिर ऐसी जितनी बिंदी लगा सको जो आज बाबा ने कहा दस सौ हजार ये जितनी बिंदी लगा सको कितनी बिंदी लगा सकेंगे करके तो देखो कमाई कितनी होने लगेगी और जब तक बिंदी नहीं लगती है तब तक वो व्यर्थ संकल्प नेगेटिव संकल्प तो कमाई में घाटा कितना पड़ रहा है ये भी तो देखो अगर बिंदी लगाने से मल्टीप्लाई होता है कमाई इतनी वृद्धि को प्राप्त होती है तो जब बिंदी नहीं लगती है तो घाटा भी तो कितना होता है कि नहीं होता महसूसता ये महसूसता ये अपने अंदर ले आना है क्योंकि ये महसूसता से ही ये परिवर्तन और हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना प्रवाहित होने लगेगी। बाबा ने एक मुरली में कहा कि आप बच्चे प्रकृति को परिवर्तन करने वाले हो अगर ये बाहर की प्रकृति को परिवर्तन कर सकते हैं तो मनुष्य की जो नेचर है जो प्रकृति है उसको अपनी शुभ भावना से परिवर्तन नहीं कर सकते हो दूसरी एक बात बाबा की बहुत अच्छी याद आती है मुझे बाबा कहते कहते हैं अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिमान और फिर जब कहते हैं कि बाबा ये परिवर्तन शक्ति मेरे में नहीं है, है मास्टर सर्वशक्तिमान और मा, मास्टर सर्वशक्तिमान अगर ये कहे कि महसूसता की शक्ति नहीं है मेरे में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं है मेरे में तो उसको क्या कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान टाइटल मिलेगा शोभेगा तो इसीलिए बाबा कहे जब ये स्वमान लेते हो आप स्वमान लेते ना मास्टर सर्वशक्ति आज का स्वमान कौन सा है मैं क्षमाप पर फिदा होने वाले लवली आत्मा हूं है ना कहने का भावार कि जब ये स्वमान लेते हो तो बाबा कहे ये स्वमान लेना मतलब क्या हुआ स्वरूप बनना स्वमान को खाली रिपीट करना नहीं है स्वमान को खाली सोच तक नहीं रखना है लेकिन स्वमान स्वरूप में आ जाए तो जो हम बाबा से शक्ति चाहते हैं और ही हम अनेकों को शक्ति प्रदान करने वाले बन जाएंगे दूसरों को भी सहज शक्ति हमसे प्राप्त हो ऐसे हम बन जाएंगे ये मुझे अंदर में फील नहीं होगा कि क्या करूं बाबा मैं परिवर्तन करना चाहती हूं लेकिन नहीं हो पा रहा है महसूस भी कर रही हूं लेकिन परिवर्तन नहीं हो रहा है ये शिकायत समाप्त हो जाएगी मास्टर सर्वशक्तिमान हो सर्वशक्तिमान की संतान हो तो परिवर्तन की प्रक्रिया सहज होनी चाहिए बीच में एक प्रोजेक्ट चला था अपना चेक एंड चेंज चेक किया चेंज करो चेक किया चेंज करो ये प्रोजेक्ट चला था तो इसीलिए बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे अब अपने अंदर जो भी छोटी मोटी बातें रही हुई है उसको चेक करो और परिवर्तन करो स्वयं में दृढ़ संकल्प कर लो और जरूर उसको परिवर्तन कर सके दृढ़ संकल्प के लिए बाबा ने कहा था कि कई लोग सोचते हमारे में दृढ़ता नहीं है बहुत बार हमने संकल्प कर लिया लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये नहीं कि दृढ़ता नहीं है लेकिन होता यह है कि दृढ़ संकल्प जिस समय किया हमने उसके बाद प्रतिदिन अमृत वेले रिवाइज करो संकल्प को बार बार उसको रिवाइज करेंगे बार बार अटेंशन जाएगा और अटेंशन जाएगा तो परिवर्तन स्वाभाविक हो जाएगा होता यह है कि हमने सोच लिया कि चलो आज 18 जनवरी है या शिवरात्रि है बाबा को यह दान दे देना ये दृढ़ संकल्प कर लिया उसके बाद कभी रिवाइज ही नहीं करते तो एक बार सोच लेने से थोड़ी निकल जाने वाले इतना डीप रूटेड संस्कार है इतना गहराई में चला गया है तो उसको क्या करना पड़ेगा रिवाइज भी तो करना पड़ेगा तो प्रतिदिन अमृत वेले कि हाँ हमने बाबा के सामने ये संकल्प लिया है और इसीलिए जब रिवाइज करते तो सारा दिन अटेंशन रहेगा फिर वो कमी निकल जाएगी सहजता से उसको मिटाने का कुछ समय लगेगा कुछ समय तक लगातार उसको एटेंशन पर लाते रहो और उसके ऊपर मुझे पुरुषार्थ करना है ये अटेंशन भी रहे ये परिवर्तन जब लाएंगे अपने अंदर तब वो दृढ़ संकल्प बन करके काम करेगा नहीं तो नहीं करेगा है ना कई बार देखा जाता है कि भक्ति मार्ग में भी लोगों ने अपने आप में कोई चीज परिवर्तन लाने के लिए क्या करते हैं ना? उस चीज का जैसे एक व्रत ले लेते हैं उस चीज का एक व्रत ले लेते हैं और उसके लिए अटेंशन रखते हैं पता नहीं कौन सा एक दिन आता है जिस दिन वो सारा दिन सारे साल के लिए एक साल के लिए वो व्रत लेते ना कि भाई आज से हम खाने के पहले कोई भी चीज मुंह में डालेंगे खाने के पहले नाम लेते हैं कोई उत्तरायण का संक्रांत पर करते ना कि भाई संक्रांत पर फिर वो व्रत छोड़ते हैं और फिर दूसरा ले लेते हैं कि ताकि गलती से भी चोरी से कोई खाने की आदत होती है कईयों को चोरी से खाने तो भाई अभी नाम नाम बोलना ही पड़ेगा कोई के सामने खड़ा हो करके ये नाम लू आ? कोई राम राम करता है या कोई आ? कोई देवी का नाम लेता है देवता का नाम लेता है कुछ तो भाई मैंने चोरी से नहीं खाया तो वो चोरी का संस्कार क्या होता है फिर निकल जाता है समाप्त तो हो जाता है ठीक इसी तरह हमें भी रोज उसको एटेंशन में लाते हुए उसको परिवर्तन कर देना है अगर रोज एटेंशन में नहीं आया तो वो संस्कार फिर से सुषुप्त होकर के अंदर में ही समा जाता है वो परिवर्तन नहीं होता है खाली एक 18 जनवरी के दिन या शिवरात्रि के दिन या नए साल के दिन मैंने संकल्प भी ले लिया लेकिन उसको बाद में कभी रिवाइज ही नहीं किया उसके प्रति एटेंशन ही नहीं रहा तो परिवर्तन कहां से होगा वो तो होकर के अंदर में समाया रहता है वो निकलता नहीं है इसीलिए प्रतिदिन बाबा के अमृत वेले उसको रिवाइज करते जाओ और रिवाइज करते हुए फिर उसके प्रति एटेंशन रहे तब जाकर के वो कुछ समय तक जब उसका प्रयोग नहीं होगा अटेंशन रखते हुए तब जाकर के वो पुराना संस्कार समाप्त होता है नहीं तो ऐसे समाप्त नहीं होता है तो इसीलिए ये रियलाइजेशन ये महसूसता की शक्ति बहुत आवश्यक है जब तक रियलाइज नहीं किया तब तक चेंज करना बहुत कठिन है और लास्ट विधि जो बताती हूं कि कौन मुझे कह रहा है ये परिवर्तन करने के लिए ये एहसास ये रियलाइजेशन कि कौन मुझे कह रहा है कोई साधारण मनुष्य नहीं कह रहा है परिवर्तन करने के लिए जिसके लिए बाबा कई बार हमें मुरली में याद दिलाते हैं कि बच्चे भक्ति मार्ग में तुमने क्या क्या वायदे किए थे आप आएंगे तो हम ये करेंगे आप आएंगे तो हम वो करेंगे और अभी मैं आकर के कह रहा हूं तो बहाना दे रहे किसको दे रहे हैं बहाना बाबा को आ? किसको दे रहे हैं बहाना अपने आप को दे रहे हैं ठगी कर रहे हैं किसके साथ कर रहे हैं अपने आप को ठग रहे हैं आ? तो इसीलिए बाबा कहे कि ये एहसास अंदर में बहुत पावरफुल होना चाहिए कि साक्षात परमात्मा मुझे कह रहा है जिसके लिए भक्ति में हमने कई बार नौदा भक्ति की होंगी है ना? भक्ति में नौदा भक्ति की होंगी क्योंकि बाबा के बच्चे ऐसे नहीं बनते हैं आज आप सोचो के 700-800 सो, सो करोड़ में से अगर खाली 33 करोड़ में भी 9 लाख या सत्यु की अंत तक की जो है दो करोड़ लिया जाए बाकी तो बाबा कहते हैं एक बार सुना बग, प्रजा के रूप में भी आ गए तैतीस करोड़ बन गए लेकिन अगर दो करोड़ भी अगर सत्यु के अंत तक प्रजा है तो इतनी जो आत्माएं खाली सिलेक्ट हुई है वैसे थोड़ी सिलेक्ट हुई है ये सब आत्माओं ने भक्ति मार्ग में कोई ना कोई जन्म में त्रेसठ जन्म में से कोई ना कोई एक जन्म में नौधा भक्ति की है उस नौधा भक्ति का फल है ब्राह्मण जीवन प्राप्त होना भगवान को पहचानना भगवान को पहचाना ऐसे नहीं जाता नहीं तो हमारे से कई दुनिया में देखो कितना कठोरता से भक्ति कर रहे हैं उनको देख करके क्या लगता है हमने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं फिर भी बाबा मिल गया हमको है ना लेकिन कोई ना कोई जन्म में इससे कठोर तप किया होगा ना बिना नौधा भक्ति किए भगवान की प्राप्ति हो असंभव असंभव तो सोचो आप वो आत्माएं हैं जिन्होंने त्रेसठ जन्म में से कोई ना कोई एक जन्म में ऐसी नौधा भक्ति की है तब भगवान की प्राप्ति हुई है दो करोड़ को ही इसलिए मिली है भगवान की प्राप्ति सात सौ आठ सौ करोड़ को नहीं क्योंकि इतनी भक्ति नहीं की है इन लोगों ने तो इसीलिए इतने भाग्यशाली हो कि भले कैसे भी हो कैसे भी हो कितनी कमजोरी वाले भी हो तो भी भगवान की प्राप्ति क्यों हुई है क्योंकि कोई जन्म में ऐसी नौदा भक्ति की है जिसका फल भगवान देने के लिए आ गया मजबूर हो गया और उसने भगवान ने वो फल दे दिया और उसको हम बहना दे उसको अगर हम बहाना दे तो क्या कहेंगे हाँ? क्या कहेंगे भाग्यशाली कहेंगे जिसको पाने के लिए अगर इतनी भक्ति की कठोर तपस्या किया तब जाकर के भगवान मिला है संगम युग में अः भक्ति के फल के रूप से मिला है हमें और उसको हम बहना दे रहे हैं तो क्या कहेंगे ना इसीलिए बाबा कहते हैं ना एक है वक्तावर भाग्यशाली और एक है कम वक्तावर तो वक्तावर देखना है तो भी यहां देखो और महान से महान कम वक्त देखना हो तो भी यहां देखो दुनिया में तो लोग गाली समझते हैं लेकिन बाबा हम बच्चों को अर्थ सहित कि महसूस था अंत समय होगी अरे इतना हमने मेहनत करके उस भगवान को पाया और हम बहना देते रहे बाबा करना तो चाहते लेकिन क्या करे क्या करे क्या करे करके मजबूर अपना अपने आप को जैसे ठगते रहे इसलिए आज के बाद ऐसा कभी नहीं करना कौन मुझे कह रहा है साक्षात परमात्मा आकर करके मुझे कह और उसके लिए मैं आधा जन्म क्या थोड़ा सा साल क्या नहीं कर सकती हूँ क्या ये रियलाइजेशन ये महसूसता बहुत बड़ी है और जिसने ये महसूसता कर लिया तो परिवर्तन उसके लिए सहज है ठीक है अच्छा ओम शांति बाबा ने आज की मुरली में बहुत सुंदर एक हिसाब बताया बिंदी का हिसाब है ना एक बाबा और बिंदी लगाते जाओ तो क्या होगा कमाई बढ़ती जाएगी और इस विधि से जितना अपने को परिवर्तन कर सके क्योंकि बिंदी लगाना भी आसान नहीं है बिंदी लगाना माना ही परिवर्तन कारण क्या क्योंकि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो जो बाबा कहते हैं बच्चे सेकंड में फुल स्टॉप लगना चाहिए सेकंड में बिंदी लगनी चाहिए और बिंदी लगने से ही बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है हमारे अपने अंदर ही हमारे विचारों में परिवर्तन आ जाता है हमारी भावनाओं में परिवर्तन आ जाता है मनुष्य जो इतनी पुरानी बातों को पकड़ करके चलते हैं और धीरे धीरे उसका स्वरूप बनते जाते हैं उसका कारण ही यह है कि ये महसूसता नहीं है कि ये परिवर्तन अनिवार्य है और बाबा ने हम बच्चों को ब्राह्मण बनाते ही ये जो एक सुंदर विधि बताई कि बच्चे बिंदी लगाते जाओ एक तो कमाई भी होती जाएगी और परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत सहज हो जाएगी ये तो हम सभी जानते हैं कि परिवर्तन कुदरत का नियम है हर क्षण परिवर्तन हो रहा है परिवर्तन में भी सिर्फ बाह्य परिवर्तन हो रहा है ऐसा नहीं लेकिन आज दुनिया के अंदर कई सूक्ष्म स्तरों पर भी परिवर्तन हो रहा है और इसीलिए बाबा भी जब आए हैं ये संसार का परिवर्तन करने तो उसके लिए बाबा हम बच्चों को यही कहते कि बच्चे स्व का परिवर्तन बहुत आवश्यक है क्योंकि जब तक स्व का परिवर्तन नहीं विश्व का परिवर्तन संभव नहीं है लेकिन स्व के परिवर्तन के लिए कौन सी चीजों की आवश्यकता है तो जैसे कहा एक है महसूसता की शक्ति लेकिन महसूसता की शक्ति काफी नहीं है महसूसता की शक्ति के साथ साथ फिर आवश्यकता है कि दृढ़ संकल्प करने की परिवर्तन का दृढ़ संकल्प करने की महसूसता हो गई वो हम सभी करते हैं क्योंकि हर इंसान के अंदर ब्राह्मण बनने के बाद भी जो कई पुराने संस्कार हैं और उसमें भी जो कमजोरी के संस्कार है उसको हम महसूस करते हैं और इसीलिए विशेष दिनों पर हम बाबा के कमरे में जाकर के उस महसूसता के आधार पर ही परिवर्तन की चाहना रखते हैं संकल्प भी करते हैं लेकिन फिर भी कभी कभी, कभी परिवर्तन नहीं होता है ये नहीं कह सकते हैं कि महसूसता नहीं थी महसूसता थी तभी तो संकल्प किया लेकिन उसके साथ जो दृढ़ संकल्प करने की आवश्यकता थी वो दृढ़ संकल्प में ढिलाई हो गई इसीलिए परिवर्तन की चाहना होते हुए भी परिवर्तन नहीं कर सके आने वाले संडे की बाबा की मुरली है चौदह तारीख की पूरी मुरली महसूसता की शक्ति के ऊपर है तो जब मैं उस मुरली को पढ़ रही थी तो बाबा ने इतनी गहराई परिवर्तन महसूसता की शक्ति के ऊपर बताई दो बातें विशेष बाबा ने बताई कि एक होती है अपनी कमजोरी और दूसरा होता है परिस्थिति के परवश हो जाना और इसीलिए परिवर्तन संभव नहीं है जहां अपनी कमजोरी है उसको रियलाइज भी कर लेते कई बार लेकिन क्योंकि परिस्थिति के परवश या किसी और आत्मा के दबाव के परवश या कभी हालातों के परवश जब हो जाता है तब जिस प्रकार का परिवर्तन की चाहना रखते हैं वो परिवर्तन नहीं कर पाते हैं लेकिन उसमें भी बाबा ने तीन स्टेज बताई एक होता है दिल की महसूसता सच्चे दिल से महसूस करना दूसरा है समय अनुसार महसूस कर लेना बाबा ने उनको कहा कि कई बच्चे चतुर सुजान होते हैं समय अनुसार सोचते हैं झुक जाना ही ठीक है क्षमा मांग लेना ठीक है बड़ों के सामने अपने रिकॉर्ड को अच्छा बनाने के लिए सोचते हैं कि हाँ आज से हम ये परिवर्तन कर देंगे स्वीकार कर लेते हैं लेकिन वो सिर्फ उस समय के हिसाब से बाद में जैसा थे वैसे ही तो परिवर्तन नहीं हुआ और तीसरे प्रकार के हैं जो महसूस भी करते हैं विवेक भी मानता है कि ये गलत है ये सही नहीं है लेकिन विवेक मानने के बाद भी कहीं ना कहीं भाई मेरी जो स्टेज है लोग क्या सोचेंगे अगर मैंने इस बात को स्वीकार कर लिया तो लोग क्या कहेंगे कि इतना समय से बाबा का बच्चे बनने के बाद भी ऐसे इसलिए विवेक अंदर मान रहा है महसूस कर रहा है परंतु परिवर्तन नहीं करते हैं उसको बाबा ने बहुत कड़ा टाइटल दिया है कि जिस तरह आत्मघात महापाप है इस तरह से जो महसूस कर रहे हैं अंदर विवेक मान रहा ये गलत है लेकिन फिर भी चेंज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अपना हाँ, अपना अहंकार कहो या अपना अभिमान कहो उसके कारण तो वह अपने विवेक का खून करते हैं महापाप है ये जिसने महसूस करने के बाद भी अगर अपने विवेक का खून किया तो कितना बड़ा पापी हो जाता है इसीलिए बाबा को पसंद है कौन जो सच्चे दिल की महसूसता के रिवर्तन शक्ति को अपना लेते हैं क्योंकि जो परिवर्तन शक्ति को यूज करते हुए अपने परिवर्तन के ऊपर निरंतर अटेंशन रखते हैं उसको बाबा की आशीर्वाद मिलती है और वो सहज आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि जहां सच्चे दिल की महसूसता है स्वीकार किया परिवर्तन का प्लान बनाया कि हाँ भी इस विधि को काम नहीं अगर ये विधि काम नहीं किया तो ये विधि अपनाते हैं और इस तरह से जो अपनी कमी कमजोरी को परिवर्तन कर लेता है उसके खुद में भी आत्मसंतुष्टि मिलती है बाबा की आशीर्वाद मिलती है बाबा की दुआएं मिलती है। और वही आत्मा लोक पसंद भी हो जाती है, यानी स्वयं पसंद बाप पसंद और लोक पसंद और यही सहज सफलता का आधार है यही सहज सफलता का कि जीवन के अंदर आगे बढ़ने का ये बहुत सुंदर एक माध्यम है तो इसलिए बाबा को सच्ची दिल की महसूसता से जो परिवर्तन करते हैं वो बच्चे अति प्रिय लगते हैं बाकी जो चतुराई करते हैं सोचते हैं चलता है कौन देख रहा है बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी कहा गया है भगवान जानी जानन हार है तो बाबा कहे मुझे एक एक का बैठ करके दिल में क्या चल रहा है ये जानने की जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि मेरे सामने सब कुछ स्पष्ट है ही है जब स्पष्ट है ही है तो जानने की क्या जरूरत है हर एक के दिल में कब क्या कैसे विचार चलते हैं बाबा कहे अगर कोई बच्चा पूछे तो मैं बता सकता हूं कि फलाने समय पर फलाने तारीख को तिथि तारीख तक बाबा बता सकता है इतना बाबा जानता है इतना बाबा के सामने हर बात स्पष्ट है बाबा जानते हुए भी ऐसे बच्चों पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं सर्वशक्तिमान है जानते हुए भी बाबा एक्शन क्यों नहीं लेता है पूछा है बाबा ने मुरली में कि कई बच्चों के मन में ये संकल्प आते हैं कि अगर बाबा सब कुछ जानता है तो बाबा फिर उस समय उस आत्मा के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते क्यों नहीं लेते होंगे बाबा ने कहा बाबा रहम दिल है भोलानाथ नाथ जरूर है इसलिए बच्चे चतुर सुजान बनते हैं लेकिन भोलेनाथ का मतलब ये नहीं है कि बाबा कुछ नहीं जानता है बाबा सब कुछ जानता है लेकिन फिर भी बाबा रहम दिल बन जाता है कि बच्चे अपने आप महसूस करके सुधर जाए इसलिए बाबा अवसर देता है कितनी बाबा की विशालता है कितना बड़ा दिल बाबा का कहेंगे कि बाबा जानते हुए भी एक्शन इसलिए नहीं लेता है कि रहम दिल बाबा को उस वक्त बच्चे के ऊपर रहम आता है तरस पड़ता है कि बच्चा कितनी बड़ी गलती कर रहा है कितना हा, समझता है कोई कुछ नहीं जानता है कोई कुछ नहीं समझता है लेकिन बाबा सब कुछ जानता है लेकिन वो अपने पापों को क्या करता है इकट्ठा करता जाता है बढ़ाता जाता है इसलिए अभी समय के हिसाब से आवश्यकता है परिवर्तन करने की स्व परिवर्तन में क्या क्या परिवर्तन करना है बाबा ने कहा यह नहीं कि आपने परिवर्तन नहीं किया है किया है आपने परिवर्तन भी कि जब आप बाबा के पास आए और आत्मा का ज्ञान मिला स्वीकार किया कि हाँ ये बात राइट है कि मैं देह नहीं हूं मैं आत्मा हूं शिव बाबा का परिचय मिला तो यह स्वीकार किया कि हाँ परमात्मा एक ही है और वह शिव बाबा ही है और वह हमारा बाप है तो सब कुछ बदल गया ना आपकी सोचने की विधि बदल गई तरीका बदल गया आपकी दृष्टि बदल गई कि आप हर एक को उसी नजर से देख कि ये भी आत्मा है तो दृष्टि परिवर्तन हो गई वृत्ति परिवर्तन हो गई जब यह स्वीकार किया कि शिव बाबा ही भगवान है और कोई भी देवी देवता नहीं है परमात्मा तो कई प्रकार की अंध श्रद्धाएं जो थी वो बदल गई तो कितना कुछ बदल गया एक सत्य को समझ लिया रचयिता और रचना के विषय में जो सत्य को समझ लिया तो उस समझने से उस डीप रियलाइजेशन से महसूसता से क्या कुछ नहीं बदला दृष्टि वृत्ति कृति स्मृति सब कुछ बदल गया तो बाबा कहे ये नहीं कि आपके पास परिवर्तन करने की शक्ति नहीं है, है। अगर जब इतनी सारी चीजें सहजता से बदल दिया तो अब आवश्यकता है कि अपने अंदर जो छोटी छोटी कमजोरियां हैं उसको भी रियलाइज करते हुए उसको परिवर्तन कर लेना क्योंकि जैसे ही उसको रियलाइजेशन करते हैं और परिवर्तन करने के लिए पहला कदम उठाते हैं जरूर है वो हिम्मत का कदम है और जहां हिम्मत है तो वहां बाबा की मदद स्वतः मिलती है अपने स्वभाव संस्कार के अंदर जो कमी कमजोरी है उसको परिवर्तन करने की हिम्मत चाहिए दुनिया में भी कई लोग महसूस करते हैं कि मेरी ये कमी कमजोरी है लेकिन उसको छिपाने का प्रयत्न करते हैं लेकिन जब हम बच्चे उसको रियलाइज करते हैं और ये मानते हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए तो उसको परिवर्तन करने के लिए हिम्मत का कदम उठाते हैं तो बाबा की सौ गुना मदद अवश्य प्राप्त होती ही है लेकिन पहले हिम्मत का कदम तो उठाओ ना? और जैसे ही ये कदम उठाते हैं परिवर्तन करने का तो ये परिवर्तन से जो आज तक हम लोग उस कमजोरी को छिपाने के हिसाब से कारण देते थे वो निवारण में परिवर्तन हो जाए तो कारण नहीं निवारण उस कारण से जो समस्याएं उत्पन्न होती थी वो परिवर्तन होकर समाधान स्वरूप बन जाते हैं जो विघ्न क्रिएट होते थे उससे निर्विघ्न बनना सहज हो जाता था सहज हो जाता है इसीलिए बाबा ने कहा कि खाली एक दृढ़ संकल्प अंदर में करते हैं परिवर्तन करना है तो और कितनी चीजों में फायदा होता है कारण बदल निवारण हो जाता समस्या बदल समाधान हो जाता हाँ? और हाँ? विघ्न परिवर्तन होकर के निर्विघ्न स्वरूप हम बन जाते हैं क्योंकि जब तक वो कमजोरी रहेंगी बार बार वो विघ्न के रूप में सामने आता रहेगा वो कमजोरी तो विघ्न क्रिएट करते हैं दुनिया में भी इसीलिए कहा जाता है प्रॉब्लम आर द क्रिएशन ऑफ अ वीक माइंड जहां कमजोरी है कमजोर सोच में है वही तो कोई ना कोई समस्या को क्रिएट करता है इसीलिए जैसे ही उसको परिवर्तन करने का दृढ़ संकल्प किया तो उसके साथ कितनी चीजें बदल जाती है विघ्न ही समाप्त होने लगते हैं तो निर्विघ्न कौन नहीं बनना चाहता है जीवन में समाधान कौन नहीं चाहता है निवारण कौन नहीं चाहता है इन सब का आधार ये परिवर्तन शक्ति उसके बाद जीवन देखो कितना सहज सरल हो जाता है क्योंकि जहां ये परिवर्तन किया सबसे बड़ी प्राप्ति क्या होती है सबसे बड़ी प्राप्ति है उमंग उत्साह नवीनता को जब अपनाते हैं परिवर्तन होगा तो क्या होगा पुराना छोड़ेंगे नया अपनाएंगे तो नवीनता जहां जीवन में आई वह नवीनता हमारे अंदर उमंग उत्साह तो लाएगा लाइफ में उमंग उत्साह किसको नहीं चाहिए लाइफ में उमंग उत्साह ही बूस्टर का काम करता है आगे बढ़ने के लिए तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए इसीलिए बाबा कहे जैसे ही वो अटक जो थी पुरुषार्थ में जो हमें अंदर से अलबेला कर रहा था क्योंकि परिवर्तन नहीं होगा तो अलबेलापन आएगा ढिलाई आएगी अंदर में पुरुषार्थ ढीला होने लगेगा दूसरों को जब देखते हैं कितना उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं तो अंदर में आता है कि पता नहीं मैं मेरे आगे क्या रुकावट है मुझे समझ में नहीं आता है लेकिन जैसे ही वो अटक निकलती है तो पुरुषार्थ की गति तीव्र हो जाती है वो कमजोरी ही कई बार हमारे हां, हमें नीचे खींचता है धरती पर खींचता है उड़ने नहीं देता है इसलिए जैसे ही वो अटक निकलती है कि उड़ान भरना शुरू करते हैं बाबा कहे है, हाई जंप देना आरंभ कर देते हैं इतनी ऊंची उड़ान भरते हैं सहजता से संपूर्णता के नजदीक जा सकते हैं इसीलिए ये उमंग उत्साह नवीनता को स्वीकार करना आवश्यक है तो जब दिल की महसूसता होती है परिवर्तन शक्ति को अपनाते हैं अर्थात नवीनता को वेलकम करना और उस नवीनता से बहुत सहज आगे बढ़ जाते तीसरी बात कई बार कमी कमजोरी हमारी इतनी होती है कि दूसरों ने जो हमारे साथ व्यवहार किया होता है उसको बुला नहीं पाते हैं उसको पकड़ के रखा है और उसको जो पकड़ के रखा है या जैसे कहा समस्याओं ने परिस्थितियों ने हालातों ने जो हमारे साथ में हुई बातें हैं उसको हम बुद्धि से छोड़ नहीं पाते हैं और जब उसको बुद्धि से छोड़ नहीं पाते हैं